हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में दो वीडियोज अलग अलग को एक साथ जोड़ के एक वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं दोनों पिकॉक्स को की तुलना करना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ कि ये नृत्य करते समय अपने पीछे जो पंख हैं उनको किस तरीके से स्पीड पे हिलाते हैं, और अपने ओपनली जो सुंदर पंख हैं उनको, और आवाज़ भी साथ साथ निकालेंगे। ये देखना आप आवाज़, हालांकि ये वीडियो थोड़े दूर दूर के हैं, लेकिन मैंने एक साथ जोड़ दिया। दोस्तों प्लीज़, ये वीडियो इस पक्षी से प्यार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। दोस्तों प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बीच बीच में जो मादाएँ आती हैं ना, मादा आएंगी, फिर सामने एक ऐसा पंख बिना पंख का पिकॉक है, वो उन मादाओं को दौड़ा देगा वहाँ से, तो फिर ये जो पिकॉक है कौन सा जो दूसरा इनके साथ डांस कर रहा है उसको बड़ा बुरा लगेगा। वो भी कई बार इनको इसको यहाँ से दौड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, दोनों वीडियोज़ में सुंदर सा पिकॉक्स की ये देखो आवाज़, वाह 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 वाह, मज़ा नहीं आया आवाज़ का? रियली दोस्तों, बहुत सुंदर आवाज़ है। और इस पक्षी के लिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, एक पीछे से बड़ा एक और आ रहा है पीछे से, वो भी शायद यहीं आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इस समय तो यार पिकॉक्स की भरमार मेरे एरिए में। प्रकृति ने हमको धनवान बना रखा है। हाँ, आज से 15-20 साल पहले से तो बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा वातावरण इनके लिए ऐसा है कि ये यहाँ पनपते हैं, और इनके वीडियो में आपको बना के अपलोड करता हूँ। अब अगले 2 महीने तक नीलगाय गायब है मेरे एरिए से दोस्तों। बस अगर कोई है, कुछ है, तो पिकॉक्स ही पिकॉक्स मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। यार कमेंट किया करो, कुछ भी कमेंट करो, जो अच्छा बुरा कुछ भी लगे, कमेंट करने से यार वीडियो का ग्रो होता है, वीडियो आगे बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, तो बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ दोस्तों यार, प्लीज़।